हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का टॉपिक आपको बोर्ड देख के ही समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, ठीक है। पहले इनकी बायोग्राफी करेंगे कि इनकी बायोग्राफी से रिलेट क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या आ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, और फिर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही साइड में लिखा हुआ है ब्रदर, जो मतलब ये कुछ नाम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। इनका ब्रदर है फेडरिक और चार्ल्स, जो कि दोनों ही पोएट थे, ठीक है। बट ज़्यादा फेमस पोएट नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी ये दोनों पोएट थे, ठीक है। इनके फ्रेंड थे हेलम। अच्छा, हेलम का नाम बहुत बार आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हेलम जो है एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है, ठीक है। तो इनका नाम तो आपको बहुत ज़रूरी है लर्न करना। फादर थे इनके जॉर्ज और मदर थी इनकी एलिजाबेथ, ठीक है। अब था, स्टार्ट करते हैं, विक्टोरियन एज के ये आर्थर थे और इनका जन्म जो है वो 1809 इंग्लैंड में हुआ था, और ये अपने पेरेंट्स के फोर्थ चाइल्ड थे, ठीक है, फोर्थ चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी बायोग्राफी। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में ही इन्होंने कुछ शॉर्ट पोएम्स लिखी थी, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 ही रॉट सम शॉर्ट स्टोरीज एंड एपिक ऑफ 6000 लाइन्स की इन्होंने एक एपिक पोएम लिखी थी। ड्रामा लिखा था इन्होंने द डेविल द लेडी। आप सोच सकते हैं 14, सिर्फ 14 साल की उम्र में, ठीक है। इन 1827 ही रिटर्न ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है। मतलब कि वो फिर 1827 में एंटर्ड किया था उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पे स्टडी के लिए गए थे। 1829 ही वॉन द चैंसलर मेडल फॉर हिज ब्लैंक वर्से पोयम टिम्बक्टो, ठीक है। इस पोयम के लिए इनको मेडल मिला था एक। 1833 में ही वॉज रिकॉल फ्रॉम कैम्ब्रिज, इनको अपने कॉलेज से बुला लिया गया था, क्योंकि इनके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। इस वजह से इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के वहाँ से वापस आना पड़ा, और इनको कोई भी डिग्री वहाँ से नहीं मिली। अब जो उनके फ्रेंड थे, हिज फ्रेंड हेलम जो थे, उनको उनकी जो सिस्टर थी वो उनको पसंद आई थी। उनकी सिस्टर का नाम था एमिले, और उनसे वो इंगेजमेंट उनकी करा दी गई थी, ठीक है। जो टेनिसन है उनको रोज बेरिंग नाम की लड़की पसंद आई थी, लेकिन वो बहुत रिच थी, जिसकी वजह से उसने उस लड़की ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। फिर 1836 में उन्होंने एमिली सहारा सैलवुड को प्रपोज किया, लेकिन फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो उससे शादी नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली बट दे गॉट मैरिड इन 1850, ठीक है। अब इन 1842 में जो इनकी पोयम है वो टू वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट वॉल्यूम में जो उनकी पुरानी पोयम्स थी, उन्हीं में जो इम्पॉर्टेंट या उनको कोई खास लगती हो लाइनें या पोयम्स, उनका ही कलेक्शन था रिवीजन ऑफ हिज ओल्ड पोयम्स। एंड इन सेकेंड वॉल्यूम द कलेक्शन ऑफ न्यू पोयम्स, ठीक है, न्यू पोएम्स मैंने वहाँ पे लिख दी हैं जो भी उन्होंने उसमें रिवाइज करी थी, ठीक है, न्यू पोएम्स जो उन्होंने बनाई थी। अब 1847 में हिज लॉन्ग नरेटिव पोएम जो उनकी आई थी, जो सबसे लॉन्ग वर्क उनका माना जाता है, वो है द प्रिंसेस, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ था 1847 में पब्लिश्ड हुआ था, ओके। अब 1850 में उनकी लॉन्ग एलिजिक पोएम आई थी इन मेमोरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में से एक वर्क है इनका इन मेमोरियम, ठीक है। अब 1850 में ही अपॉइंटेड द पोएट लॉरेंट आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आफ्टर सैमुअल रॉगर्स रिफ्यूजल, ठीक है। एक बहुत बड़ी पद्धति होती है कि पोएट ऑफ लॉरेंट, ठीक है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी, क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ जिंदा थे तब उनको ये पद्धति मिली हुई थी, लेकिन उनके मरने के बाद इसको सैमुअल रॉगर्स को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना है। उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टॉनिस ने इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए वो अपॉइंटेड हो गए थे एज अ लॉरेंट, पोएट लॉरेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसकी डेथ के बाद जो है वो लॉर्ड टेनिसन को लॉरेंट बनाया गया था, ठीक है। अब 1852 में जो उनका सन था, ठीक है, अब इस बीच में क्या होता है, जो उनके फ्रेंड होते हैं हेलम, उनकी डेथ हो जाती है एक ट्रिप पे, जब वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो अपने फ्रेंड की डेथ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उन्होंने उनकी डेथ के बाद भी बहुत सारे वर्क ऐसे लिखे हैं जो हेलम को डेडिकेट है, ठीक है। लेकिन जब उनका फर्स्ट सन होता है 1852 में, वो उसका नाम भी हेलम रखते हैं, ठीक है, और वो हेलम जो उनका बेटा है वो उनकी बायोग्राफी लिखता है, ठीक है। अब इस पूरे
जो टेनिसन है उसमें आपको हेलम नाम से दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब कि ये नहीं होना कि ये फ्रेंड हेलम है या सन है, ठीक है। जब बायोग्राफी आएगी, किसने हु रॉट द बायोग्राफी और अल्फर्ड लॉर्ड टेनिस, तब आप लिखेंगे हेलम हिज सन, ठीक है। और हु गॉट मैरिड हिज सिस्टर एमिले, तो आप लिखेंगे फ्रेंड हेलम, ओके। अब लास्ट वन इज हिज लास्ट पोएम क्रॉसिंग द बार, जो उनकी लास्ट पोएम थी, जो उनका लास्ट वर्क था, वो क्रॉसिंग द बार था, ओके। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। अब हम इनके इम्पॉर्टेंस वर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम कर लेते हैं उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, अच्छा मैंने ना इस पर टिक लगा रखा है दो पे, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। और इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इनको आपको ज़्यादा डीपली करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो पोएम बाय टू ब्रदर्स, मैंने आपको जब इनकी बायोग्राफी बताई थी तभी मैंने इनके दोनों भाइयों के नाम आपको बता दिए थे, फ्रेडरिक और चार्ल्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पोएम है ये उन्हीं दोनों भाइयों के ऊपर, एक तरीके से उन्हीं दोनों भाइयों के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ब्रदर्स के नाम फ्रेडरिक चार्ली, ठीक है। टिम्बुक्टो, ये उनकी बहुत फेमस वर्क है, बहुत लॉन्ग वर्क है, ठीक है। अब जो उनकी कुछ पोएम्स हैं जो 1830 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, तो ये सारी पोएम्स जो हैं वो 1830 में आई थी, मरियम, इजाबेल, द मरमैन, द मरमेड और टू मेमोरी, ठीक है। ये सारी पोएम्स इनकी आई थी 1830 में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि उनसे पूछिए उन्होंने 1830 में कौन सा वर्क दिया था, ठीक है। इसलिए कई बार ऑप्शनल में ये आ जाता है कि इसमें से कौन सा वर्क उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इनमें कोई भी नाम आ जाएगा, इसलिए आपको ये सारे ही पोएम करनी है, ठीक है। अब 1832 में जो उनकी पोएम्स आई थी वो है द लेडी ऑफ शैलॉट, फातिमा, द मे क्वीन, द लोटस और द पैलेस ऑफ आर्ट, ठीक है। द लोटस एटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर टिक भी लगा रखा है, इसको आपको बहुत डीपली करना है। द पैलेस ऑफ आर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन इनको आपको जैसे बहुत डीपली करना है, एक एक लाइन जिसको बोलते हैं, ओके। अब 1832 में इनकी ये पोएम्स आई थी, अब 1832-42 इन दोनों के बीच में जो 10 साल का गैप है, ये गैप इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड थे हेलम, जो मैंने बताया था उनकी सिस्टर के साथ उनकी इंगेजमेंट हुई थी, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं और वो इन 10 सालों में कोई वर्क नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए इस टाइम को साइलेंट पीरियड बोला गया था, ठीक है। अब द चार्ज ऑफ द लाइट, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इन मेमोरियम, द प्रिंसेस और टिथोनस, मार्टिर द ऑथर और मॉड, ठीक है। तो ये है इनके इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको करने हैं। बायोग्राफी मैंने आपको इनकी बता दी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बायोग्राफी आपकी हो चुकी है, और ये जो इनके वर्क हैं ये भी हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, ठीक है, कि क्या सिलेबस होता है, उसके बाद हम एक एक करके राइटर्स कर रहे हैं, सारे ऑथर्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर के बाद हम उनके वर्क कर रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनके जो आपको करनी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे सारे राइटर्स नहीं हो रहे हैं, कुछ राइटर्स जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से कंप्लीट कराने के बाद जो इनके वर्क हैं इम्पॉर्टेंट वो हम करें, ठीक है। वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, समराइज तो सभी को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि वो है इनकी कोटेशंस, ठीक है। मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको समराइज मैं ईजिली वे में कराने के बाद, मतलब समराइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, समरी कराने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने के बाद, क्वोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत जल्द करा दूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, और हाँ सपने देखिए और उसको करने के लिए बहुत मेहनत भी करिए, ठीक है। दिल से प्रे है कि आपके सभी सपने पूरे हों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।